कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 28 लाख से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 54,000 के पार हुआ। एक दिन में 2,494 लोगों की मौत की खबर, 9,60,000 के करीब पहुंची कंफर्म केसों की संख्या। यूके में कोरोना वायरस से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटिश सरकार ने कहा पूरी दुनिया के लिए फिलहाल कोरोना से निपटना बड़ी चुनौती। कोरोना वायरस से इटली में पिछले 24 घंटे में 415 लोगों की मौत, 2,357 नए केस सामने आए, अभी तक 26,000 लोगों की हो चुकी है मौत। इटली में लॉकडाउन के बीच मनाई गई लिबरेशन डे की 75वीं सालगिरह, बालकनी में खड़े होकर लोगों ने ताली बजाई, गाना भी गाया। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 378 लोगों की मौत, 2,944 नए मामले सामने आए, मौतों का आंकड़ा 23,000 के करीब हुआ। कोरोना पर WHO की नई चेतावनी का, ठीक हो चुके लोगों को दोबारा संक्रमण नहीं होने के सबूत नहीं। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी आज दूसरी बार करेंगे मन की बात, लोगों से लॉकडाउन पर मांग सकते हैं सहयोग। देश में 25,000 के करीब पहुंचा है कोरोना का केस, 24 घंटे में 1490 नए केस सामने आए, अब तक 24,942 लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए हैं। 24 घंटे में 56 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, अब तक 789 लोगों ने देश में गवाई जान। देश में अब तक कोरोना के 18,953 एक्टिव केसेस हैं, 5,210 लोग ठीक होकर वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के केस में केवल 6% की बढ़ोतरी, शुरुआती 100 केस के बाद सबसे कम इजाफा। सरकार ने फिलहाल देश में रैपिड किट टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, ICMR को टेस्ट किट की जांच की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 811 नए मामले, कुल आंकड़ा 7,628 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 22 और लोगों ने तोड़ा दम, मुंबई के 13 लोग शामिल है, राज्य में मरने वालों की संख्या 323 तक पहुंची। अकेले मुंबई में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार, 281 नई रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई, अब तक 5,049 लोग कोरोना से संक्रमित। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की कोरोना से मौत, कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र में अभी तक 96 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 15 अफसर और 81 जवान आ चुके हैं बीमारी की चपेट में। पुणे में एक दिन में 5 लोगों ने गवाई जान, 90 नए केस सामने आए, जिले में अब तक 73 लोगों की मौत। नागपुर में भी सामने आए कोरोना के 17 नए मामले, सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले, कुल कंफर्म केस की संख्या 124 हुई। नागपुर में 10 लोग कोरोना टेस्ट कराने के डर से एक गोडाउन में छिपे, जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने क्वारंटीन किया, सभी का टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 8 और लोग कोरोना की चपेट में आए, यवतमाल में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना का मीटर 128 और बढ़ा, कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 2376, एक दिन में 84 मरीजों को छुट्टी भी मिली। दिल्ली का हिंदूराव अस्पताल फिलहाल किया गया सील, अस्पताल की एक नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के 9 और स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 3 डॉक्टर भी शामिल, अब तक अस्पताल के 40 स्टाफ कोरोना के चपेट। CRPF के 15 और जवानों में कोरोना कंफर्म, एक सिविलियन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 95 हुई, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से व्यापारी संक्रमित, एक व्यापारी की पहले ही हो चुकी है मौत, 50 लोगों के लिए गए सैंपल। दिल्ली की ओखला मंडी में 2 पुलिस वाले मिले पॉजिटिव, 7 पुलिस वाले और संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन पर भेजा गया। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 177 मरीज, कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 1,793, अभी तक 27 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर यूपी से अच्छी खबर, सबसे ज्यादा प्रभावित 57 जिलों में से 10 जिलों में अब कोई एक्टिव इन्फेक्शन केस नहीं। इंदिरापुरम में एक महिला डॉक्टर मिली कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में करती है प्रैक्टिस। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के 3 नए केस सामने आए, कुल कंफर्म केसेस की संख्या 112 तक पहुंची, गाजियाबाद में सामने आया है केवल 1 केस। नोएडा का सेक्टर 45 सील किया गया, कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने किया सील। गौतम बुद्ध नगर के 40 हॉटस्पॉट इलाकों को प्रशासन ने 3 भागों में बांटा, 17 को रेड जोन, 13 इलाकों को ऑरेंज जोन और 10 इलाकों को ग्रीन जोन। गाजियाबाद में भी 14 इलाके रेड जोन में तब्दील किए गए, 7 इलाकों को ऑरेंज जोन बनाया गया, 5 क्षेत्र ग्रीन जोन घोषित किए गए। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सिगरा थाना इलाके के नगर निगम चौकी पर तैनात थे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर तौसीफ खान ने पेश की मिसाल, कोरोना से उबरने के बाद डोनेट किया ब्लड प्लाज्मा। गुजरात में कोरोना के केस में तेजी जारी, 24 घंटे में 256 केसेस सामने आए, कुल मरीजों की संख्या हुई है 3,071। अहमदाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,000 के पार पहुंची, बढ़ गए 182 नए केस, राज्य में अब तक कुल 133 लोगों की मौत। MP में कोरोना का ग्राफ 2,000 के पार पहुंचा, 6 और लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई है 2,036। इंदौर में सामने आए 91 पॉजिटिव मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,176, अभी तक 57 लोगों की कोरोना के कारण मौत। भोपाल में कोरोना के मामले बढ़कर 388 हुए हैं, अब तक 9 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 541 तक पहुंचा कोरोना का ग्राफ, सामने आए 38 नए मामले।
पश्चिम बंगाल गई केंद्रीय स्पेशल टीम ने ममता सरकार से मांगा जवाब। पूछा तबलीगी जमात से जुड़े कितने लोगों की जांच हुई, कितनों को क्वारंटीन किया गया। केंद्र की दोनों टीमों में ने ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा अभी तक चार में से किसी ने भी खत का जवाब नहीं दिया। टीएमसी ने केंद्रीय टीम पर किया पलटवार। बीजेपी को खुश करने के लिए बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया। राजस्थान में बढ़ गए कोरोना के 49 नए मरीज। राज्य में कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 2083। 3 और लोगों की कोरोना के कारण मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल 494 मरीज। कुपवाड़ा में मरीजों का आंकड़ा 38 तक पहुंचा। बिहार में कोरोना के मामलों में तेजी जारी। 28 नए मामले सामने आए। राज्य में 251 लोग वायरस से संक्रमित। पटना IGIMS अस्पताल की बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट आए बिना सारण के मरीज को घर भेजा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। केरल में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की तादाद 457 हुई। दुकानें खोलने की छूट पर गृह मंत्रालय की सफाई। शहरों में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। गांव में कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक शहरों में रिहायशी इलाकों में खुलेंगी दुकानें। मोबाइल की दुकानें भी खुलेंगी। गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन खरीदारी पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा हेयर सैलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। फिलहाल शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने का लिया फैसला। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट। दिल्ली पुलिस ने कहा था 30 अप्रैल तक दिल्ली में नहीं खुलेंगी दुकानें। टोटल लॉकडाउन का किया जाएगा पालन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने या छूट देने पर चर्चा जारी। 30 अप्रैल के बाद ही सरकार लेगी कोई अंतिम फैसला। महाराष्ट्र में 3 मई तक लॉकडाउन में कोई बदलाव नहीं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। मुंबई के भायखला इलाके में लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने बंद कराई मार्केट। लाइन में खड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। गुजरात में आज से स्टेशनरी मोबाइल रिचार्ज और पंक्चर की दुकानें खुलेंगी। बिजली एसी मरम्मत की दुकानें और इलेक्ट्रीशियंस की भी उनको इजाजत मिलेगी। अहमदाबाद के 48 वार्ड में 6 वार्ड में नहीं खुलेंगी कोई दुकानें। 6 वार्ड को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। राजस्थान में भी इलेक्ट्रिक फैन मोबाइल रिचार्ज स्टेशनरी शॉप की दुकानें खुलेंगी। गृह विभाग ने जारी किया ऑर्डर। गाजियाबाद में पहले की तरह जारी रहेगा लॉकडाउन। फल सब्जी की दुकानें दोपहर 2 बजे तक और किराने की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर उज्जैन जबलपुर धार और खरगोन में मोहल्ले में भी नहीं खुलेंगी दुकानें। सीएम शिवराज सिंह ने कहा हॉटस्पॉट इलाकों में ढील देने का सवाल ही नहीं। रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने पर बिहार सरकार आज शाम तक लेगी फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस पर विचार विमर्श जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मॉर्निंग वॉक करने वाले सीनियर सिटीजन और दूसरे लोगों को छूट दी। सुबह 5:30 से 7 बजे तक रोजाना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान खुलने वाली दुकानों को केरल सरकार का निर्देश। कहा 50% कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाए पालन। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी। का कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे छोटे और मझले उद्योगों पर ध्यान देने की जरूरत। सोनिया गांधी ने MSME के लिए 1,00,000 करोड़ का पैकेज मांगा। संकट से निपटने के लिए 5 सुझाव भी दिए। कोरोना से मुकाबले के लिए संसद भवन में बना कंट्रोल रूम। लोकसभा स्पीकर की पहल पर बनाया गया है नियंत्रण कक्ष। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय डाक सेवा की तारीफ की। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान पहुंचाने डिजिटल पेमेंट के लिए पोस्टल सेवा की भी तारीफ की। गुजरात में बनास डेयरी के दूध उत्पादकों ने पीएम केयर फंड में दी मदद। 2,00,000 से ज्यादा दूध वालों ने 7,14,00,000 रुपए डोनेट किए। योगी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते बढ़ने पर रोक। 1 जनवरी 2020 से जून 21 तक लागू रहेगा। डीए काटने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल। का सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस तर्क से काटा जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों की वापसी आज से शुरू होगी। हरियाणा से बसों में लौटेंगे करीब 2,200 मजदूर। गुजरात में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश लौटना जारी। झाबुआ जिले में पहुंचने पर स्क्रीनिंग की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 198 लोगों को रोका। पैदल ही जा रहे थे यूपी के ललितपुर। कोटा से महाराष्ट्र के करीब 2,000 छात्रों की भी होगी घर वापसी। महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान सरकार को खत लिखा। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान लग्जरी कार से सैर करना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक से कराई उठक बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। खरीदारी के दौरान भीड़ दिखी। मुंब्रा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। गली मोहल्लों में लोगों की भीड़ नजर आई। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर सड़कों पर खरीदारी करते नजर आए लोग। पुलिस ने कुछ खुले रास्तों को भी बंद किया। राजस्थान के भरतपुर में कानून से बेखौफ लोग शादी के समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। राजस्थान के जोधपुर में लॉकडाउन के बीच दूल्हा और दुल्हन ने मंदिर में शादी की। नियमों का पालन करते हुए रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में शादी हुई। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन के बीच युवक युवती शादी के बंधन में बंधे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर फेरे लिए। दोनों तरफ से 5-5 लोग शादी में शामिल हुए। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच एक जोड़े की शादी कराई। पुलिस की जिप्सी में हुई दुल्हन की विदाई।
दिल्ली के तिलक विहार इलाके में एक अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज ने जमकर डांस किया, साथ ही मरीजों का उत्साह बढ़ाते ये मरीज नजर आए। हैदराबाद के चार मीनार पर कोरोना का असर है, रमजान के महीने में पड़ा सुनसान। नासिक के गजमल स्लम इलाके में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान सरकारी गाड़ी में शराब तस्करी का मामला सामने आया, सस्पेंड किए गए एसीपी ने दूसरे पुलिस वाले पर लगाया फंसाने का आरोप। नागपुर में कोरोना के टेस्ट की डर की वजह से गोदाम में छिपे 10 लोग, जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी की जांच कर क्वारंटीन किया। कोरोना संकट के बीच लुधियाना में कम्युनिटी किचन लोगों की मदद में जुटा है, एक संस्था रोजाना 1.25 लाख लोगों तक पहुंचाती है खाना। यूपी के एटा में एक घर में मिले 5 लोगों के शव, 2 बच्चे 2 महिलाएं शामिल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर के साथ हुई लूट का खुलासा, शातिर लुटेरे ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया, 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। मुरादाबाद में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा कलाकार यमराज की ड्रेस पहनकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा। चीन ने उत्तर कोरिया भेजी अपने एक्सपर्ट की टीम, किम जोंग को सलाह देगी टीम, किम जोंग की सेहत को लेकर छिड़ी हट कर लें। ब्रिटेन में टाटा स्टील मुश्किल में, रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकार से मांगा 50 करोड़ पाउंड का बेल आउट पैकेज। एक्टर इरफान खान की मां का जयपुर में निधन, लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे इमरान नहीं जा पाएंगे जयपुर। बॉलीवुड फिल्म 83 का नहीं होगा डिजिटल प्रीमियर, फिल्म को थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं निर्माता।